भाई ऐसी जगह घर चाहिए जहाँ फूल ही फूल हो और आप भी फूल बन रहे हो। गुलमर्ग के बारे में एक बात कही है, शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे। कल तो हम 3 घंटे यहीं बैठे रहे क्योंकि ड्रोन तो उड़ाना अलाउड नहीं है। कुछ आर्मी वालों ने हेल्प की तो ये एक सबक और हो गया कि एटलीस्ट JNK के रीजन में किसी को भी लिफ्ट नहीं देनी है। जगह का नाम क्यों पड़ा गुलमर्ग? हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ में यही चीज़ नहीं होती, एक ही है। लेकिन ये तो बहुत ही ख़राब माहौल है गुलमर्ग का, लद्दाख का। मुझे ये चीज़ मुझे क्या सभी को बहुत अच्छा लगा ये चीज़। तो हम कहाँ थे? हम थे टूरिज़्म इंडस्ट्री को बड़ा करने में। गुलमर्ग के डेवलपमेंट के लिए नुकसानदायक होगा, आई थिंक ये मेरे मतलब की जगह नहीं है। तो पुलिस वालों ने वापसी भेज दिया। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम होटल हाईवे रेजिडेंसी कंगन। कंगन नहीं है बेसिकली, कंगन यहाँ से 5-7 किलोमीटर बाद है, लेकिन कंगन ही पड़ता है ये। तो आज हमारी राइड का है Day X+3, स्टार्ट होता है यहाँ से। और जहाँ हम रुके थे भाई, बहुत ही अल्टीमेट होटल है, होटल कम रिजॉर्ट टाइप से समझ लीजिए, क्योंकि हमारे बिल्कुल बगल से बह रही है सिंधु नदी और जो उसका व्यू है। कल तो हम 3 घंटे यहीं बैठे रहे और ये रही अपनी सिंधु नदी, बहुत बढ़िया। और ये रहा अपना पीछे मेरे होटल। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी बहुत ही प्राइम लोकेशन में है, बहुत ही अच्छी लोकेशन में है। और जो भैया का नेचर है वो ही बहुत अच्छा है। खाना तो फिर लाजवाब, कश्मीरी खाना लाजवाब। हमने नॉर्मली खाया दाल और आलू मटर, लेकिन बहुत ही बढ़िया खाना था। साथ ही साथ आपको मिलेगा एक अखरोट का पेड़ जिसमें अभी अखरोट पक रहे हैं, बेसिकली अभी कच्चे हैं, बहुत ज़्यादा हरे कलर के हैं। जब पक जाएंगे तब आइएगा और इनका लुफ्त उठाइएगा। बाकी मैं तो रिकमेंड करूँगा श्रीनगर ना रुक करके ऐसी किसी रिमोट जगह पर रुके जहाँ आपको प्राइस भी रिजनेबल मिलेगा, आपको नेचुरल ब्यूटी भी मिलेगी, पीसफुल भी मिलेगा और आपको जो स्टे होगा वो भी अच्छा होगा। तो अगर एक 360 कर लिया जाए, क्योंकि ड्रोन तो उड़ाना अलाउड नहीं है यहाँ पे। अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है, कोई देख लेगा तो दिक्कत करेगा। ये थी प्रॉपर्टी का एक 360। तो बस अब हम रेडी हैं ऑलमोस्ट, बस यहाँ से बाइक में पेट्रोल डलाना है क्योंकि वो थोड़ा लो है, और कोशिश करना है कि पेट्रोल पंप तक पहुँच जाए। तो आइए चलते हैं, करते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू। और हाँ, एक चीज़ मेन, जो हमारी इस ट्रिप का नया डेस्टिनेशन है वो है गुलमर्ग। आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग और आज का स्टे हम वहीं करेंगे। तो ये एक नया ऐड हुआ था पूरी की पूरी ट्रिप में जो मैंने अब तक आपको नहीं बताया। तो आज आप जान लीजिए कि हम गुलमर्ग जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे गुलमर्ग की वैली। समय आता है होटल और सिंधु नदी को छोड़ने का, फिर आएंगे किसी दिन किसी समय इसी जगह पे। और अगर देखेंगे आप, ये रहा कनकन पड़ता है और साथ ही साथ ये हाईवे से बिल्कुल सटी हुई प्रॉपर्टी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको ढूंढने में। निकल जा रहा तो अमरनाथ यात्रा की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है और लेकिन सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आज का मौसम फिर से बहुत ही बेहतरीन है राइड के लिए, क्योंकि धूप जा चुकी है और हल्के हल्के से बादल आ चुके हैं। ओके, दिन का पहला ज़रूरी काम ट्रिप मीटर रिसेट करना हो गया। इतनी जल्दी बाइक को UP 78 कानपुर आगरा, और सॉरी कानपुर लखनऊ, जम्मू 343, श्रीनगर 48। फिलहाल ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा है क्योंकि
जो रूल है कि 2-3 बजे से पहले पहले आपको क्रॉस करना है, तो उसकी वजह से सारी की सारी गाड़ियां मॉर्निंग में शिफ्ट हो गई हैं। 10-16 10-16 70 का पेट्रोल डलाया अपन ने, हवा तो खराब है, तो अभी आगे चल के देखें ना कहीं हवा डलवानी पड़ेगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल वैली गाइस, भाई ऐसी जगह घर चाहिए। तो भाई ये है संभल का ब्रिज का जाम, 1.5 किलोमीटर हो चुके हैं हमें जाते हुए। बाइक होने का यही सबसे बड़ा फायदा है कि वो कम से कम ट्रैफिक में नहीं फंसती, कार ने तो खड़ी रहती 2-3 घंटा। चेक चेकिंग हो रही है क्या, जा सकते ना? चलो सर ने हमें जाने दिया शांति से। हम लोगों ने ले लिया है एक बाईपास, हाँ बाईपास क्या ही बोलो, गांव का रास्ता ले लिया है। तो भाई एक छोटा सा गलत टर्न आपको ऐसे रास्ते में छोड़ सकता है जहाँ रोड ना हो, बेसिकली पगडंडी हो, जहाँ फूल ही फूल हो और आप भी फूल बन रहे हो। ध्यान से रास्ता चुनिए, हमारी जैसी गलती ना कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा एडवेंचर हो जाएगा फालतू का। होपफुली आगे जाके मेन रोड में मिल जाए हम। आज फिर गूगल बाबा ने धोखा दे दिया और हमें घुसेर दिया किसी गांव में, और ऐसी जगह रास्ता दिखा रहा था जहाँ रास्ता था ही नहीं। तो बड़ी मुश्किल से कुछ आर्मी वालों ने हेल्प की, तब जाके हमें दोबारा हाईवे मिला। तो इस बार का फिर से एक सबक हो गया कि फालतू में 10-15 मिनट बचाने के चक्कर में कोई शॉर्टकट ना लो, बेटर है कि अननोन जगह पे हाईवे चलो, सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। और अभी 12:30 हो चुका है, ये सब करते करते एक ज्ञान और मिला है कि इस एरिया में ज़्यादा किसी को इंट्रैक्शन नहीं करना है। और ख़ासकर मैंने उनको बताया नहीं कि मेरे को लिफ्ट देने का बड़ा शौक है, नहीं तो वो ढंग से मुझे सुनाते। तो ये एक सबक और हो गया कि एटलीस्ट JNK के रीजन में किसी को भी लिफ्ट नहीं देनी है, सीधा अपना गाड़ी चलानी है, गुलमर्ग पहुँचना है और फिर गुलमर्ग से सीधा पठानकोट होते हुए घर निकलना है। वी आर एट गेटवे टू गुलमर्ग, फाइनली हम लोग सही रास्ते पहुंच गए। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमारा स्वागत कर दिया, पीछे एक बोर्ड लगा हुआ बहुत अच्छा, एक ही है। तो 20 रुपए की पर्ची कट गई अपनी, पता नहीं किस चीज की, और भाई लोग अपन को रोक रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे, शायद एजेंट होंगे वो लोग। जाऊँ सर मैं, तो भाई ये तो फिर से 20 रुपए लूटने वाला था, पता नहीं लीगल है कि इनलीगल है, लेकिन 20 रुपए फिर से मांग रहा था, लेकिन उसने जाने दिया जो भी सोचा हो। और होटल का वही हिसाब किताब है, हर बंदा तो रोक पकड़ के रुक रुक के गुलमर्ग घुमाना चाहता है मुझको, और भाई मैं उनमें से हूँ कि मैं खुद ही घूमने वालों में से हूँ, मुझे गाइड की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो 200 रुपये, वो 200 रुपये बोल रहे हैं, जब वहाँ पहुँचेंगे तो 200 को 500 हो जाएगा, 500 को 1000 हो जाएगा, ये होता है। और होटल में भी अगर उसके थ्रू लूँगा तो कमीशन देना पड़ेगा, तो बेटर है कि खुद ही जाके माथा पच्ची करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि अभी 1 बज रहा है। बाकी हरियाली देख के तो मज़ा आ गया, अब तक जो ड्राई माउंटेन्स में गाड़ी चलाई है उसके बाद गुलमर्ग आना अब तक तो सही डिसीजन रहा है, आँखों को अच्छा लग रहा है काफ़ी इतने सारे पेड़ देखकर। ये छोटे छोटे फूल
बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ में यही चीज़ नहीं होती। ये छोटे छोटे फूल उगे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। बस मैं मैगी मिस कर रहा हूँ, जो उत्तराखंड हिमाचल के पहाड़ में मिल जाती थी, कहीं भी कोने में लगी हुई, वो यहाँ नहीं है। हमें गुलमर्ग जाके ही मिलेगा कुछ ना कुछ, और तभी हम खाएंगे। वैसे इन फूलों को देख के कोई बता सकता है कि जगह का नाम क्यों पड़ा गुलमर्ग। गुल यानी कि फूल, मर्ग आई थिंक जन्नत होगी, तो फूलों की जन्नत या फूलों की नगरी जैसा कुछ होगा, जिसकी वजह से इसका नाम गुलमर्ग पड़ा। बट बहुत ही सही ब्यूटीफुल लग रहा है एकदम से। ऐसा लग रहा है कि पेड़ों और फूलों की जन्नत में आ चुका हूँ मैं। तो भाई एक और पर्ची थमा रहा था मुझे 40 रुपए की, एंड आई वॉज स्मार्ट इनफ कि मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन ये तो बहुत ही ख़राब माहौल है गुलमर्ग का। पर्ची कटवाओ, पर्ची कटवाओ, पर्ची कटवाओ, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बन रहा। इसलिए बोलते हैं कि लद्दाख रीजन इतना डेवलप क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। टूरिज्म को वो ऐसे अपना बिजनेस मॉडल सेटअप कर रहे हैं, और किया है उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि उनको उनको से उससे प्रॉफिट नहीं, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो चल रहा है अफरावत, यहाँ पे जो चल रहा है बस यूं ही चल रहा है, इसे बात करता हूँ। वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम प्राइसेस किए हुए हैं। वो टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, ना कि टूरिज्म से इनकम करना चाहते हैं। पहले इनसे बात करते हैं। तो हम कहाँ थे? हम थे टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा करने में। तो उन्होंने मास में ज़्यादा फोकस किया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उससे फ़र्क क्या आया कि जब मास में आपने टूरिज्म को बढ़ावा किया, तो प्रॉफिट, शायद प्रॉफिट का मार्जिन यानी हर पर पर्सन पे या पर टूरिस्ट पे कम हुआ, लेकिन जब आपने उसका ग्रॉस निकाला तो वो बहुत बढ़ गया। और उससे सिर्फ ना ही आपको फ़ायदा हुआ, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ। क्योंकि होटल तो बंदा कम लेता है, खाता पीता ट्रैवल पेट्रोल इनमें ज़्यादा खर्चा होता है, और जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ को। नहीं, मुझे होटल में रूम पता करना है, वो सामने बोले। ओके यार, थैंक यू। यहीं से देख लेते हैं पहले। तो लद्दाख का मुझे ये चीज़, मुझे क्या, सभी को बहुत अच्छा लगा ये चीज़। उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से मेंटेन किया, लेकिन काफ़ी लोगों ने JNK एंड कश्मीर रीजन के लिए इस चीज़ को नेगेटिव बताया कि वो लोग इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि बल्क टूरिज्म पे। तो हम एक और डेस्टिनेशन में आ गए, 3 बजे तक हम यही करेंगे लगता है आज, फिर वापस श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिला के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे वापस श्रीनगर या नीचे ही उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अपना हिसाब बन नहीं रहा है। वैली खूबसूरत है नो डाउट, लेकिन जो टूरिज्म का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो काफ़ी नेगेटिव है यहाँ के हिसाब से। वो आई थिंक आगे गुलमर्ग के डेवलपमेंट के लिए नुकसानदायक होगा, ऐसा मेरा मानना है। दिस इज़ माई पर्सनल थाट। समय आता है गुलमर्ग को टाटा बाय बाय कहने का, और आई थिंक ये मेरे मतलब की जगह नहीं है। तो अब आपको सीधा मिलेंगे हम होटल के रूम में आराम फरमाते हुए। सो डे X+3 का एंड होता है टियासर श्रीनगर में, क्योंकि हमें श्रीनगर क्रॉस करने की परमिशन नहीं मिली। हम लगभग 1.5 घंटा लेट थे। जो श्रीनगर क्रॉस करना था वो 3:30 बजे करना था, और हम पहुँचे थे 5 बजे। तो पुलिस वालों ने वापसी भेज दिया और बोला कि श्रीनगर ही स्टे करना पड़ेगा। तो
इस तरीके से होता है हमारा श्रीनगर का स्टे। स्टे करने के बाद हम चले गए थोड़ा डल लेक, हमने वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसकी कोई भी वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ फ़ोटो खींची हैं जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाल दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल सफ़र काफ़ी अच्छा था। गुलमर्ग का रिव्यू आप थोड़े से पहले वाले पार्ट में आप देखोगे तो गुलमर्ग का रिव्यू दिया है मैंने। गुलमर्ग के बारे में एक बात कही है, शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे लेकिन वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी स्टे काफ़ी अच्छा रहा TRC का, एज़ यूजुअल ऑर्डिनरी सा स्टे होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। बाकी कल हम निकलेंगे हरी पर्वत के लिए, देखना है कि वहाँ परमिशन मिलती है नहीं मिलती, और उसके बाद सीधा निकल जाएंगे अपने घर दिल्ली के लिए। और कल का स्टे हम करेंगे पठानकोट या उसके आसपास कहीं। तो आई थिंक आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ। पूरे कपड़े धुलन धुल हो चुके हैं, चेहरा तो छोड़ो, एक कपड़ों में एक वाइट कलर की लेयर चढ़ चुकी है जो दिखा रही है कि हम किस रास्ते पे गाड़ी चला के आए अभी। और अभी माथा बिल्कुल ठनक चुका है बहुत बुरी तरीके से।